फाइनली गाइस वो टाइम आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस TWOB। काफी लोगों ने कहा मोगी भाई मैच करा दो, हमने कराए नहीं क्योंकि हमको पता था कोई ना कोई टूर्नामेंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे ये दोनों टीम आपस में भिड़ जाएंगी। और भाई वो टूर्नामेंट आ चुका है, इओन कप का मैच है, दोनों टीम आमने सामने खड़ी है, सामने सुमित भी खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी आर्मी बहन है, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स बहन है और सुपर आर्चर ब्लिंप भी बहन है, बहुत सारे सुपर ट्रूप्स बहन है। मैच के दौरान ही मैं आपको बताता रहूंगा क्या क्या बैन है और क्या क्या नहीं है। फिलहाल ये मैच बड़ा खतरनाक होने वाला है, तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो कसम छोटे बारबेरियन की लाइक और सब्सक्राइब किए बिना जानो नहीं बिल्कुल भी। TWOB वर्सेज हैदराबाद हाइड्रास, पहला अटैक मेरा और इलेक्ट्रो ड्रैगन बैन है, भगवान की कसम ऐसा मैच, और भाई मेरी आर्मी बैन कर दी यार इन्होंने, जबरदस्ती मेरे को हाइड्रा करना पड़ रहा है और वो भी पहला अटैक। चलो देखते हैं गाइस क्या होएगा, बस वन स्टार ना हो जाए, और तो टू स्टार हो जाए वन स्टार ना हो जाए टेंशन में। चलो शांति पकड़ता हूँ, चुप हो जाता हूँ, मेरे को हंसी छूट रही है। सही चल रहा है, मैं तो कमेंट्री भूल गया कि कमेंट्री भी करनी थी। इसी बैक एंड पे यार वो भी तो है, बैक एंड पे खतरनाक सी चीज रखी, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। मोनोलिथ, मोनोलिथ से बचना पड़ेगा। ग्राउंड एक्सपो भी और एक पॉइजन टावर भी है। ग्राउंड एक्सपो निकालने की कोशिश कर रहा था बंदा और मर गया, मैटर खराब हो गया है। तो रॉयल चैंपियन का डिप्लॉयमेंट करा मैंने और वहीं पे ग्राउंड एक्सपो निकल गई और मैटर खराब हो गया। ग्राउंड एक्सपो नहीं, क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड स्केलेटन्स। क्वीन के ऊपर लॉक हो गई है, इनेबिलिटी पॉइजन आ गया, हैवी नुकसान हो गया गाइस। इनविजिबल कर देते हैं आरसी को। बहुत क्लोज जा रहा है अटैक, कुछ भी हो सकता है गाइस। 97, 98, अरे दादा चश्मा कहाँ है मेरा मजा आ गया। सुमित की तरफ से SF मन्ना, सुपर ट्रूप्स के नाम पे सुपर वॉल ब्रेकर अलाउड है बस, और उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे मन्ना के द्वारा। 6 AT है, सिक्स एटीज के साथ हाइब्रिड की तरह अटैक कर रहा है यार ये तो। तुरंत ही इसने आर्मी का डिप्लॉयमेंट कर दिया, एटीज आ गए, ये तो अटैक ही समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एटीज विच स्पैम मार रहे, जंप आ गई है, टीएच को निकाल लिया जाएगा। क्या अटैक है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाइब्रिड की तरह कर रहा है यार ये टी को, ये जैसे हाइब्रिड से अटैक करते हैं। ओडन एबिलिटी में हाइब्रिड, ये क्या नाम है इनका, मरने का नाम नहीं ले रहे हैं ये। मर जाओ मर जाओ मर जाओ, मर गए मर गए, काफी सारे मर गए हैं। ये टीज नाम भी याद नहीं आ रहा था, इतने दिन हो गए थे ये टीज को देखे हुए किसी अटैक में, के इनका नाम भी याद नहीं आ रहा था। ये अटैक तो थोड़ा सा लो परसेंटेज नजर आ रहा है मुझे, विजिबल का इस्तेमाल किया गया क्वीन को बचाने के लिए, क्वीन के पास एबिलिटी है क्योंकि क्वीन यहां पे वैल्यू निकालने का काम कर सकती है।
और यहां पे रॉयल चैंपियन को टेक डाउन कर लिया गया है। अन्ना भाई साहब की रॉयल चैंपियन आ चुकी है। बताओ कैसा अटैक था ये, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब इसने अटैक करा हाइब्रिड की तरह ही, लेकिन इस्तेमाल किया हेटीज का और विचिस का। इससे पहले मैंने टर्नल 15 पे ये वाला अटैक देखा नहीं था भाई, पहली बार देखा मैंने। बट एनीवे यहां पे 73, 4, 75 या 6% ये अटैक आ जाएगा। तनवर साहब आए हैं यहाँ पे, एक और हमारे इलेक्ट्रो ड्रैगन प्ले रही है। तीन इलेक्ट्रो ड्रैगन मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रो ड्रैगन का इस्तेमाल किया जा रहा है फनल बनाने के लिए, और बाकी है ड्रैगन के साथ ड्रैगन राइडर्स हाइड्रा का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बट यार मुझे लग रहा है अटैक थोड़ा रिस्की ना हो जाए। नहीं नहीं, रिस्की नहीं होएगा, मुझे लगा पीछे से आ रहा, अगर पीछे से आता तो वही वन स्टार का खतरा नजर आ रहा था, इधर से तो वन स्टार खैर नहीं होगा। ये आर्मी थोड़ी सी भटक गई है पहले ही, जो कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए। चलो वापस आ गई, वापस आ गई, नाइस नाइस। सारे ट्रूप्स वार्डन एबिलिटी में, अच्छी बात है ये। एक क्लोन, एक रेज, मोनोलिथ गो वेंट गोन, पर आर्मी सारे टीएच में घुस गई है। 99% ये अटैक फेल होएगा अगर टीएच से बाहर नहीं निकले ये ड्रैगन्स। थोड़ा सा जा रहे हैं, रीज का इस्तेमाल किया गया क्वीन के ऊपर, जो कि जरूरी भी था। किंग के पास एबिलिटी है, क्वीन के पास एबिलिटी है, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। ड्रैगन्स जैसा कि मैंने कहा था, ये टीएच के वहां से बाहर निकल गए हैं, तो फिर तीन स्टार के चांसेस बन जाएंगे अगर ये रेस टावर आ जाता है किसी तरह। तो एक फ्रीज है वैसे, अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी चांस। फ्रीज वेस्ट कर दी बेवकूफ, जो चांसेस थे उनकी धन्नो कर दिया यहां पे तनवर साहब ने। और अभी की अभी रॉयल चैंपियन को डाल देना चाहिए भाई, कब डालेगा, जब क्वीन मर जाएगी तब डालेगा ये। अब यहां पे क्वीन की एबिलिटी भी जाएगी। अरे यार ऐसे कैसे कर सकता है तू, सब नुकसान कर दिया यहां पे गाइस, हैवी नुकसान हो चुका है, बहुत मोटा नुकसान हो गया है। यहां पे इतनी ज्यादा जरूरत थी मल्टी टारगेट पे फ्रीज की, और वही नहीं बचा के रखी। क्या बताऊं मैं तुझे तन्नु भैया, तन्नु मन्नु भैया, बचा लेते यार एक फ्रीज, क्वीन यहां पे अकेले ही निकाल लेती इतने डिफेंसिस को यार फ्रीज के साथ। शायद थोड़ा सा नर्वस आ गया बंदा हमारा क्वीन, लेकिन जा सही रही, अगर इस तरफ जाएगी ना तो हेल्थ बढ़ती जाएगी क्वीन को, अगर हेल्थ बढ़ जाएगी और तब तक रेस्ट आवर का भी इफेक्ट कम हो जाएगा तो कुछ हो सकता है। 1% चांस है अभी भी, एक से तो ज्यादा नहीं है, 1% है क्वीन की, अगर हेल्थ बढ़ जाए थोड़ी सी किसी तरह। नहीं होगा यार, नहीं होगा, बताओ यहां पे फ्रीज होती तो काम नहीं हो जाता बेवकूफ तन्नु भैया। गो हिल भाई साहब यहां पे अटैक के लिए आए। गोयल भाई साहब जनरली अटैक करते हैं इन्फर्नो बेबी ड्रैगन्स के साथ, पर वो यहां पे बैन है आज। जैप इलेक्ट्रो टाइटन देखने को मिल रहा है। वार्डन कहां है, वार्डन काफी लेट उतारा है, पहले उतार देना चाहिए था क्योंकि टाइम फेल का खतरा रहता है इस अटैक में। अभी ऑलरेडी 20 सेकंड लग चुकी है, 7% की वैल्यू आई है, कि बुड्ढा जो है ना काफी ज्यादा स्लो होता है ये, इसके अंदर फुर्ती कम है। बुड्ढे में दम तो बहुत है पर इसके अंदर फुर्ती कम है। सही चल रहा है मसला, इलेक्ट्रो टाइटन आ गई है। अब तो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा लेट नहीं करा इसने, सही टाइम पे उतार दिया है। किंग को और सीज बैरक को भी जल्दी ही उतारे गए मल्टी टारगेट के सामने, शायद वहीं पे उतारा है एक बॉक्सर जाइंट के साथ। चार सुपर मिनियन ने एक इलेक्ट्रो टाइटन का कर दिया खात्मा, और दूसरी इलेक्ट्रो टाइटन का भी खात्मा कर दिया है। चार इलेक्ट्रो, ओ भाई साहब सुपर मिनियन ओपी काम कर रहे हैं, बहुत ओपी काम कर रहे हैं सुपर मिनियन, वन स्टार मान के चलो आप इस बेस को, बता रहा हूं मैं आपको।
रेल बना दिया सुपर मिनियन ने। अब तो करिश्मा चाहिए इसे अटैक टू स्टार करने के लिए। बहुत बुरा फंस चुके हैं यहां पे कोहिल भाई साहब। क्वीन के हवाले पूरा वतन साथियों, क्वीन को ही टीएच निकालना है साथियों, पूरा ध्यान लगा दे भाई। मैं चाहता हूं तेरा अटैक टू स्टार हो, चाहे कुछ हो जाए, मैं खुद नहीं चाहता तुम्हारा अटैक वन स्टार हो। क्वीन की एबिलिटी मत जाने दे, वार्डन एबिलिटी दे दे। मैं तो कहूंगा इनकी एबिलिटी चली गई, अब वार्डन की भी जाएगी। यही तो मैं इसीलिए तो पहले कह रहा था कि वार्डन एबिलिटी दे दे। मैं चाहता हूं गाइस इसका अटैक फेल ना हो, मतलब वन स्टार ना हो। कोई बात नहीं भाई, भाई की टीम है अपने, कोई दिक्कत नहीं है, वन स्टार नहीं होना चाहिए। चलो गाइस नाइस, टू स्टार हो गया। नाइस रिकवरी, नाइस रिकवरी। अगर देखो वार्डन एबिलिटी पहले देते ना था तो क्वीन की एबिलिटी बच जाती, और जिस हिसाब से अटैक अली क्वीन क्वीन के साथ गया, मैं सोच रहा हूँ अगर इलेक्ट्रो टाइटन होती ना इसमें तो तीन स्टार ही हो जाता भाई, क्योंकि डिफेंसिस तो देखो ज्यादा बचे नहीं है। इलेक्ट्रो टाइटन सारी लपेट दी भाई सुपर मिनियन ने। सीसी के अंदर अलाउड है, ठीक है, मतलब डिफेंसिव सीसी के अंदर अलाउड है, अटैक में यूज नहीं कर सकते सुपर मिनियन को भी। तो मेरे को लग रहा है टाइम फेल ही हो गया, वरना अभी भी ट्रिपल हो जाता है ये। तीन स्टार की सख्त जरूरत है, अरे मार दे तीन स्टार। वन प्रो की तो आईडी बैन है, आईडी कह रहा हूं मतलब आर्मी बैन है इसकी। तो ये क्या कर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। इधर से लावा छोड़ा, उधर से दौड़ाया, इधर से क्या कर रहा है ये। सुपर विजार्ड सीसी में अलाउड है, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि ये वो नहीं था। एन आर्मी में अलाउड नहीं है, सुपर आर्चर अलाउड नहीं है सीसी के अंदर, मतलब जैसे सुपर आर्चर बिलिंग करते हैं ना वो अलाउड नहीं है, वरना सुपर आर्चर बिलिंग अलाउड होती ना तो यहाँ पे आपको पता ही है वन प्रो कौन सी आर्मी से अटैक करता, फिर कौन सी आर्मी है उसकी, क्या नाम है उसकी आर्मी का, सुपर, अरे बारबेरियन, मतलब सुपर बारबेरियन अलाउड है मेन आर्मी में, लेकिन आप सुपर आर्चर ब्लिंप नहीं यूज कर सकते। तो बेचारे की आधी आर्मी अलाउड है, आधी आर्मी अलाउड नहीं है तो यहाँ पे इसलिए ब्लिजार्ड अलावा लून करना पड़ रहा बंदे को। अरे क्वीन गलत चली गई, वापिस आ जा, वापिस आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ गई, आ गई, आ जा, आ जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, मार डालेगी तेरे को एक्स, मुझे मार डालेगी, भाग जा वहां से, भाग गई, भाग गई, ओ भाग, 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 अरे भाग, घोड़ा मर जाएगा। इनका बचना बहुत जरूरी है। ये टारगेट इन्फर्नो यहाँ पे दुखी कर रहा है, फ्रीज डाल दी इस वजह से, एक हेड एंटर का भी इस्तेमाल किया है, निकाल लिया जाएगा मल्टी टारगेट इन्फर्नो को। आर्टिलरी एक्टिवेट हो चुकी है, क्वीन के पास एबिलिटी है, अच्छी बात है, थोड़ी बहुत वैल्यू निकाल के देगी क्वीन यहाँ से। अवलून कब चालू करा रहेगा, कर दिया है भाई, वन प्रो किंग का लावलून देख रहा हूं आज मैं। और सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज को टेक डाउन कराए, इसका नाम है एयर स्वीपर। सबसे ज्यादा परेशानी एयर स्वीपर करता है, दूसरा एयर स्वीपर भी गया, चलो नाइस। ओ मल्टी टारगेट आते आते रह गया, फ्रीज कर देना चाहिए था वन प्रो भैया, ध्यान किधर था, मल्टी टारगेट आ रहा था 100% ट्रिपल होना था, ये आरसी पहुंच गई थी मल्टी टारगेट पे, गारंटी ट्रिपल होता फिर ये। बट अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई नहीं पाएगा, परसेंटेज पे जाएगा ये अटैक, जाएगा प्रतिशत पे जाएगा, कितना प्रतिशत आएगा आइए देखते हैं। 90 प्लस तो जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पे यार ये मल्टी, मल्टी ने कर दिया काम कल्टी, 92 लग रहा है मेरे को तो, 92 हुआ है। ड्रैगो द सबसे बेहतरीन अटैकर आई थिंक इन द TWO भी, और इसकी आर्मी पे कोई बैन नहीं है क्योंकि ये वैसे भी ब्लिजार्ड अलावा लून ही करता है, और ये अभी भी ब्लिजार्ड अलावा लून ही कर रहा है। पर विजार्ड आ गए हैं इसके निकल के,
डैमेज देना स्टार्ट कर दिया। टीएच गो वेंट गोन, मोनोलिथ भी निकाल देगा मेरे को तो लग रहा है ये। चलो मोनोलिथ बच गया, मोनोलिथ बच गया, ये अच्छी बात है। पॉइजन नहीं लाया क्या ये? बिना पॉइजन के आइस गोलम मारने में ना, अरे इलेक्ट्रो टाइटन है तो सही, ध्यान ही नहीं दिया, भूल गया था मैं प्रो खिलाड़ी है ये। इलाज लाया है ये हर चीज का। चार फ्रीज हैं, दो हेस्ट है। लावालून किधर से करेगा? मोनोलिथ जो बच गया ना, ये बहुत बढ़िया काम कर सकता है हमारे लिए। और अगर इसका अटैक डिफेंड कर गया तो टीडब्ल्यू भी काफी ज्यादा दिक्कत में आ रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यही एक बंदा है इस वक्त जो सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। बेहतरीन लेवल का प्लेयर है, मोनोलिथ तो ओपी काम कर रहा है यहां पे, पर किंग को टेक डाउन कर दिया जाएगा हमारे वाले। क्वीन की एबिलिटी भी जाएगी यहां पे, पर क्वीन जाके मल्टी को तो निकाल ही देगी कम से कम। मल्टी नहीं निकला तो गारंटेड फेल है। फ्रीज लगा दिए मल्टी निकालने के लिए, भाई मल्टी निकाल के रहेगा ये। मल्टी निकल गया, दूसरी तरफ यहाँ पे टेस्ला फार्म है, कल टारगेट इन्फर्नो भी निकल जाएगा। मॉडर्न एबिलिटी ऑलरेडी दी जा चुकी है, तीन तीन फ्रीज इसने बचा के रखी है, पर टेस्ला फार्म जीने नहीं देगा, खाने नहीं देगा, पीने नहीं देगा। दिक्कत हो रही है यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी सारी स्पेल्स खत्म हो चुकी है, पर रॉयल चैंपियन आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्वीन भी नहीं मरी अभी तक, हद हो गई। सबसे बड़ी बात तो है कि क्वीन क्यों नहीं मरी अभी तक? रॉयल चैंपियन मर जाओ भाई, किस्मत देखो इसकी, हाई लेवल की किस्मत चल रही है एकदम। मरने ही वाली थी, मरते मरते रह गई। 30 सेकंड का टाइम बचा है। क्वीन अच्छी बात है कि दीवारों में फंसी हुई है, क्वीन का फंसा रहना हमेशा अच्छा रहता है। और एक अच्छी बात यह है कि एयर डिफेंस बचा हुआ है, एयर डिफेंस बचा रहेगा तो दिक्कत जरूर रहेगी यहाँ पे। 18 सेकंड का टाइम बचा है, 8% 5% की वैल्यू निकालनी है। जायंट को उतारा गया है, एयर डिफेंस ओपी काम कर रहा है। चलो थोड़ा सा लक इनके साथ भी, जो हमारे साथ हुआ वही इनके साथ भी हुआ। 95.7 पे हमारा भी गया था, एक अटैक इनका भी गया। बड़ा क्लोज वॉर चल रहा है, 3 में 6, 3 में 7, 6 अटैक हो चुके हैं अभी तक दोनों तरफ से। मैटर एकदम गंभीर और संगीन चल रहा है। क्वीन चार्ज लावा लोन लेके गौरव भाई साहब आ गए हैं, फिलिंप मारेंगे मल्टी टारगेट के कंपार्टमेंट में, ऐसा लग रहा है। मल्टी टारगेट इन्फर्नो और एक्सबो को निकालना चाहते हैं, रेज भी मारनी पड़ेगी। एक रेज मार दिए, ये टीज आ रहेगा, ये टीज आके अपना काम कर गया। और पॉइजन टावर भी ले जाएंगे, ये तो पॉइजन टावर ले जाएंगे, 100% ले जाएंगे। और जो सुपर मिनियन के जो सुपर वाले शॉट थे वो भी खत्म कर दिया, और ग्राउंड एक्सपो को भी डैमेज दे दिया, काफी डैमेज दे दिया। रेज मार दे, मत मार, जो मर्जी कर भाई, मुझे नहीं पता। 3 मार बस कैसे भी करके यार, 3 स्टार चाहिए, एक ही ट्रिपल हुआ है। पिन की एबिलिटी गई, बच गई। किसी तरह क्वीन की एबिलिटी बची है, वॉल ब्रेकर, बाय। सही टाइम पे वॉल ब्रेक हुआ एकदम, मजा आ रहा है इस अटैक को देख के। किंग आ रहा है मोनोलिथ के कंपार्टमेंट में, एक रेज और मारनी पड़ेगी क्वीन को। पर स्केलेटन जो है ओपी काम कर रहे हैं यहाँ पे, निकाल के दे देगा ये किंग जो है मोनोलिथ को। अगर किंग नहीं निकाल पाएगा तो क्वीन निकाल देगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वीन यहां से स्कैटर भी निकालेगी, अपोनेंट की क्वीन को भी निकालेगी, और बहुत वैल्यू है यार ये, और क्या ही चाहिए। अब बस टाउन हॉल बचा है, और उसके लिए लावालून चालू कर दिया गया है। अरे स्कैटर शॉट पे नहीं जा रही क्वीन यार, वोकेबल है स्कैटर शॉट, बेवकूफ क्वीन, मंद बुद्धि क्वीन। जब ऐसा कुछ होता है तो बड़ा बुरा लगता है भाई, क्या ही कर सकते हैं ऐसे। रेज कर भाई टाउन हॉल को, यार ये आरसी क्यों उतार दी इसने? अरे यार आरसी मेन आर्मी के साथ पॉइजन के अंदर आरसी कौन उतारता है? स्कैटर शॉट कंपार्टमेंट में आरसी को लाना था,
क्या ही बोलूं मैं, क्या ही बोलूं। एक इनविजिबल बची है, बस ग्राउंड स्केलेटन्स ना निकले। क्वीन सही जा रही है फाइनली जीवन में पहली बार कैरेक्टर को निकालने के लिए। टाइम फेल हो सकता है अभी, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ टाइम फेल हो सकता है और टाइम फेल हो ही जाएगा ये लग रहा है मेरे को यार। हो गया भाई, हो गया, टाइम फेल हो गया ये भी। क्वीन जीवन भर दीवार तोड़ती रहेगी, ये जन्म क्वीन का दीवार तोड़ने में ही जाएगा। एक इनविजिबल बची है पर किसी काम की नहीं है। शायद 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 ट्रिपल हो सकता है। 99 तीन 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 तैयब डार्लिंग आए हैं मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। सुपर बारबेरियन यूज कर रहा है, पेनल्टी नहीं खाएगा इसके नाम की है। सुपर बारबेरियन तो अलाउड ही नहीं है, नहीं सुपर बारबेरियन अलाउड है, सॉरी सॉरी सुपर बारबेरियन अलाउड है, सुपर आर्चर अलाउड नहीं ब्लिंक में। अरे बाप रे बाप, ये वाली आर्मी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था कि इस वाली आर्मी से भी कोई अटैक कर सकता है। मोनोलिथ और सीसी दोनों को ही टेक डाउन कर देगा ये तो, क्योंकि तो अपने आप में एक ह्यूज वैल्यू है भाई, बढ़िया वैल्यू ले गया ये अभी। लेकिन इधर भी जाएगा बहुत परेशानी खाएगा। ओहो इधर तो मैंने वो टोर्नेडो लगा रखा बेटा, ये देख ये देख ये देखा, इसे कहते हैं टोर्नेडो, और इसे कहते हैं जो आगे नहीं जाने देता। इसीलिए लगाया था, इसीलिए लगाया था, वॉर से जस्ट पहले लगाया था कि गलती से ब्लिम ब्लिम मार के मेरा टाउन हॉल ना निकाल दे। और चलो टाउन हॉल नहीं आया बट क्वीन निकाल देगी टीएच को। अरे यार ये ड्रैगन राइडर कितना ओपी काम कर रहा है। अरे आ गया, और इसे देखो बावली पूछ को, क्या नाम है इसका, अरे ये जो बड़ा सा बुद्धि वाला जीव है, बहुत तकड़ा सा, क्या नाम है इसका बड़े बुद्धि जीव का। यार ये ड्रैगन राइडर देख रहे हो, एक्सपो निकाल के दे दी ड्रैगन राइडर ने, हद कर दी भाई। ड्रैगन राइडर ओपी बोलते भाई। अरे आ गया, भगवान ऐसे ड्रैगन राइडर सबको दे। टीएच निकाल के दे देगी क्वीन, इतनी सादी, इतनी सारी परेशानी होने के बाद भी 34% की वैल्यू आ गई है। रॉयल चैंपियन आई नहीं है हमारे वाली, और हमारी क्वीन भी अभी बची हुई है, और उसके पास सिर्फ एक ही हेडहंटर है अब, और मेरी क्वीन एक हेडहंटर से मरेगी नहीं। बहुत माल खिला रखा है मैंने अपनी क्वीन को, माल समझते हो ना, खून पिलाया इसको काले रंग का, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है। एक हेडहंटर की बस की नहीं है इसको मार पाना, उससे पहले तो मल्टी टारगेट इन्फर्नो गिराना पड़ेगा मेरा। चलो गिरा दिया तो स्कैटर शूट लगा रखा है भैया, ये टेस्ला फार्म लगा रखा है इसीलिए, ये गलती से बच बुचा के आ गए तो यहां से आगे ना बढ़ पाओगे। बहुत ओपी बेस बिल्डिंग करता हूं मैं गाइस रात को 3 बजे उठ के। तो यहाँ पे तैयब भाई साहब का जो अटैक था वो 77 या 78 या 70, चलो 79 हो जाएगा गाइस ये अटैक। और चलते हैं अगले अटैक की तरफ। फाइनल अटैक हमारी तरफ से बीबी डिग भाई साहब, ब्लिजार्ड इलेक्ट्रो टाइटन कर रहा है क्या, देखने में तो यही लग रहा है। ब्लिंप मारेगा टीएच में, जरूरत से ज्यादा पास उतार दिए टीएच के ब्लिंप, ऐसा लग रहा है। इनविजिबल हो गई है, टीएच ले ले भाई, ले ले टीएच ले ले। चलो आ गया टीएच, आ गया, चलो 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 टीएच आ गया, मैं तो खुश हूं। अब सारा काम जो करना है वो करना है इलेक्ट्रो टाइटंस को। एक फ्रीज इन्वेस्ट हो गई है, बहुत हैवी वैल्यू होती है ऐसे इन्वेस्ट हो जाना। आइस गोलम भी मार दिया यार इन्होंने तो, सुपर मिनियन ओपी है यार ये,
और बीबी डिक को पता है कैसे इनको टैकल करना है। क्वीन चली गई गलत, अटैक फेल। क्वीन गलत जा चुकी है, दुनिया की कोई ताकत अब इसको ट्रिपल नहीं लगा सकती। ट्रिपल छोड़ो, हाई परसेंटेज का सोचो, अब तो कोई चांस ही नहीं है। हीलर्स लेके चली गई क्वीन अपने साथ, और गलत दिशा में चली गई क्वीन अपने, क्या ही बोले। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेबी भैया, कोई समस्या नहीं है। ओपी अटैकर हो आप एक, कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, क्या कर सकते हैं। से बेस के अंदर बहुत कुछ बचा नहीं था, सोच रहा हूं कि अगर आर्मी अंदर आ जाती तो क्या होता बेस का, कि हीलर्स ने साथ ही नहीं दिया। क्वीन लेके दफा हो गई हीलर्स को, अरे 69 कर दे, मैं तो कह रहा हूं यार अब और ज्यादा परसेंटेज के लिए जाई मत, सबसे बढ़िया परसेंटेज होती है 69। 65 नहीं कर पाएगा, 66 हो गया। अरे यार रेज मार रहा है 66%। मेरा फेवरेट अटैकर आ गया गाइस अपोनेंट की तरफ से, अरे छोटा भैया सुमित 007, और मैं चाहता हूं कि उसका अटैक ट्रिपल हो। सुपर आर्चर देखो ब्लिंप में अलाउड नहीं है, लेकिन आर्मी के साथ अलाउड कर सकते हैं, तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं सुमित भाई साहब। यहां पे सुमित का अटैक गाइस ट्रिपल होना चाहिए, मेरा मन है, मेरी दुआएं हैं कि भाई का अटैक ट्रिपल हो। बेहतरीन आर्मी का इस्तेमाल कर रहा है, आर्मी के साथ कमी देखा जाता है, क्योंकि सुपर आर्चर ब्लिंप आज बैन है, जैसे हमारे लिए इलेक्ट्रो ड्रैगन बैन था, सुमित के लिए सुपर आर्चर ब्लिंप बैन है, तो हम दोनों की आर्मी बैन है आज। राउंड स्केलेटन्स निकल के आ रही है, रिटेल टारगेट को निकाल ही लेगा फिर भी, ये अल्टी निकालने के बाद जंप मारेगा ये सीधा आर्टिलरी वाले कंपार्टमेंट में, और दूसरे जंप मारेगा सीसी के ऊपर, टीएच वो केवल रहेगा। पहली जंप आ गई है, आइस गोलम आ गई है, एटीज आ गई है, सुपर आर्चर भी आएंगे अब, बहुत दूर से मारते हैं ये। अल्टी टारगेट इन्फर्नो परेशान कर सकता है थोड़ा सा, आइस गोलम आ गई है, अल्टी टारगेट इन्फर्नो थोड़ा नहीं ज्यादा परेशान कर रहा है, सुपर आर्चर्स को खत्म करने में लगा हुआ है मल्टी टारगेट इन्फर्नो, इसलिए वार्डन एबिलिटी दे दिया सुमित ने यहाँ पे। आरसी को उतार देना चाहिए, वरना मल्टी टारगेट इन्फर्नो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अभी भी उतारिए, खासकर थोड़ा लेट कर दिया है शायद, पर चलो सही है, उतार तो दी। हो सकता है अटैक ट्रिपल हो सकता है, अगर यहाँ पे किसी तरह क्वीन सर्वाइव कर गई ना एबिलिटी के साथ, तो बात बन जाएगी। चलो ट्रिपल मोर सुमित, कम ऑन, मार दे ट्रिपल मार दे। रॉयल चैंपियन की एबिलिटी अभी भी, आरसी की एबिलिटी है, और मैं इस अटैक से बहुत खुश हूं, वेरी हैप्पी। ट्रिपल चाहे अपोनेंट की तरफ से हुआ है, पर खासम खास भाई ने मारा अपने ट्रिपल, तो बहुत खुशी है मेरे को इस वॉर की। हालांकि आज AWO भी जीत नहीं पाई, देखो दो में से यार कोई एक ही जीतता, या तो हम जीतते या वो जीतते, हो सकता है हम हार जाते या वो जीत जाते, तो कुछ भी हो सकता था। जब दो टीम खेलती है तो एक जीतती है एक हारती है, लेकिन एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। ज्यादा बड़ी हार नहीं हुई है, 11-12 से एक स्टार से हम यहाँ पे जीत गए हैं। टोटल 3 अटैक 3 स्टार हुए हैं, 2 तुम्हारे भाइयों के और एक वो भी भाई है ठीक है गौरव भाई साहब। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको जरूर से वीडियो पसंद आएगी, लाइक सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, क्योंकि आप ही हमारा सहारा हो, आपके सिवा जीवन में है ही कौन। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।